सानू पता होना चाहिए कि आनंद संस्कार कदों किया जाना चाहिए। बच्चे ते बच्ची का रिश्ता जे आनंद संस्कार सिख रहत मर्यादा पढ़ के करोगे, मेरी गरंटी है कि कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। बजुर्गों ने इन्ना सोच के उच्च दो पेज लिख दिते जिदे विच आनंद संस्कार लिख दिता, पर असी पढ़ना ही नहीं। कभी सिख रहत मर्यादा मुताबिक रिश्ता करना ही नहीं। अहीं ते वेखना कि बच्चा अमीर किन्ना का, असी उहदी प्रॉपर्टी वेखदे हां, बाकी कुछ नहीं वेखदे। फिर मुड़ के जदों तलाक दीआं नौबतां आउंदीआं उदों रोंदे आ। मुश्किलां ते बाद च आउंदीआं, फिर पता लगदा वी यार किहो जिहा रिश्ता मिल गिआ, फिर रोंदे आ। हालात बाद च बणदे, पता बाद च लगदा। सो इस करके सिख रहत मर्यादा पढ़ के कितने रिश्ते जोड़ के वेखियो, जे जीवन च आनंद ना बनिया रहा, बच्चा ते बच्ची खुशी ना रहे ते कह दी, फिर उहदे च उम्र निर्धारित कीती ये सरकार वाली नहीं गी। उहदे च ये नहीं लिखिया कि 18 साल का होवे जां 21 साल का होवे जां 22 साल का होवे, ना। उत्थे लिखिया जदों बच्चा ते बच्ची शरीर मन ते आचार करके ग्रिस्त धर्म के फर्ज निभाउण दे योग हो जाए, वो मन करके तैयार होवे, वो शरीर करके तैयार होवे, ते वो आचार करके तैयार होवे, फिर उहदा विआह करना है। कोई बच्चा हो सकदा कि 18 साल का विआउण दे योग हो जाए, तो कोई 28 साल का होवे। हर एक का फिजिकली शरीर, उहदा सोचण शक्ति, उहदी समझण शक्ति, सूझ बूझ हर एक की अपनी है। कोई बच्चे सियाने 18 साल तो भी पहला हो जाते, कोई तो 16-17 साल च भी सूझ बूझ वाले हो जाते हैं, तो कई 40 साल तक भी अकल नहीं आती। ये भी तो आप देखते ना कि हर एक की अकल वक्री वक्री है। जिहो जे माहौल बच्चा रहा पढ़िया, परिवारक संस्कार जीन्स कई चीज़ा उच काउंट कर दें।